अगला टॉपिक है जो करेंट अफेयर्स में रहा है संचार साथी इनिशिएटिव्स क्या है संचार साथी इनिशिएटिव्स असल में क्या होता है कि आपको ये नहीं पता चलता कि आपके नाम से कितने नंबर एक्टिव है ये बता देगा इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो मोबाइल फोन में और आपको पता चल जाएगा आपके नाम से कितने नंबर हैं जो एक्टिव हैं और जो काम कर रहे हैं

ए एस टी आर का पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेशियल रिकोगेशन पावर्ड सोल्यूशंस फॉर टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन अगर आप चाहें तो इस नाम के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एक तरह की मशीन जो इस तरह से प्रोग्राम की गई है बनाई गई है जो जो क्या करेगी फेशियल रिकोगशन के द्वारा उस सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगी कि जो नंबर आपकी आई

है ना जिसकी वजह से आप रिपोर्ट्स वगैरह फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज वगैरह को चेक कर सकते हैं क्या पता कल को आप ही अरेस्ट हो जाए आपके नाम से कोई एक्टिविटी चल रही है आपको पता ही ना चले तो काइंडली यूज दिस संचार साथी जो भी है पोर्टल है और सुनो इसमें इसको बनाया किसने डिपार्टमेंट ऑफ टेली है ना इसको विकसित किसने किया डिपार्टमेंट ऑफ टेली ठीक है ये किस किस तरीके से काम कर रहा है डिफरेंट तरह के मॉड्यूल सर्विसेज हैं जिनके थ्रू ये काम कर रहा है पहला सी आई आर सी आई आर का मतलब होता है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर इसके अंदर क्या होता है ब्लॉकिंग आर लास्ट मोबाइल ठीक है ना उसकी जानकारी पता चलती है सेकेंड वाला नो योर मोबाइल कनेक्शन जिससे आपको यह पता चलता है आपका मोबाइल फोन कितनी जगह पे रजिस्टर्ड हुआ है ओके योर मोबाइल फोन रजिस्टर इन योर नेम ठीक है मतलब आपके नाम से है या नहीं या कोई फेक रजिस्टर्ड हुए हैं और ए एस टी आर एस टी आर आइडेंटिफाइड फ्रॉडुलेंट सब्सक्राइबर्स ठीक है ना नाम खुद ही बता रहे हैं। मतलब कई तरीकों से आपके मोबाइल फोन का मिसयूज होता है और वो सारे तरीके यहां पर बता रहे हैं इन तरीकों से आपको बचना होगा टेक्नोलॉजिकल ऑस्पेक्टिव पे बात करते हैं कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू एआई टूल यहां पर काम करता है तो यहां पर एक सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है जिसका नाम है परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर इसके द्वारा जितने भी वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ कनेक्शंस होते हैं बहुत स्पीडली तेजी से इन चीजों का डेटा एक्सेस करके फिर आपको बता देता है कि ये सही है या गलत है और इस पूरे के पूरे चीजों में जो तकनीकी यूज होती है इस ये तो सुपर कंप्यूटर हो गया उस तकनीकी को हम कॉन्वलेशनल न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स के नाम से जानते हैं ठीक है इन्हीं के द्वारा एक इफेक्टिव फेशियल रिकॉग्निशन किया जाता है बोलो ना आपके चेहरे को बहुत बारीकी से एक एंगल्स पे आपके चिन विन और जो लिप्स विप्स होती हैं आईज वगैरह होती हैं इनको डिटेक्ट किया जाता है यहां पर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी क्या होती है किसी इंडिविजुअल की आइडेंटी करने के लिए एक तरह का सर्वेलेंस होता है जहां पर फोटो और वीडियो आइडेंटिफिकेशन के द्वारा रियल टाइम बेसिस पर तुरंत सर्वेलेंस करके ये इंफॉर्मेशन देता है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये ऐसे कंप्यूटर एल्गोरिथम होते हैं जो फेशियल लैंडमार्क को जैसे चीक बोन शेप लिप कंट्रो वगैरह को बहुत बारीकी के साथ चेक करते हैं तो यहाँ पर डिटेक्शन्स कोई थोड़ा बहुत असर में क्या होता है आपके फोटो के साथ थोड़ा मिलता जुलता फोटो लगा दो ठीक है और उसको आई बनाकर आपके साथ आपको भेज दो ठीक है ना तो ये चीज़ें जो हैं वो आइडेंटिफाई हो सकती हैं फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से या आपकी फ़ोटो के साथ कोई और नंबर के साथ ऐसा बनाकर कर दें आधार वधार करके जोड़ दें तो वहाँ से इस तरह के फ्रॉड वगैरह जो होते हैं इन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये चेहरा तो किसी और नाम से मिल रहा है आपके नाम से चेहरा कैसे हो गया